मैं आपका ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मेन जो हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो तो अपने आप ये पोस्टर देख रहे हो थार री दौड़, तो एक थार री दौड़ जो को है एक जगह अंग्रेजी में मैराथन रेसेज कह रहा है, तो मैराथन तो लंबी हुआ है 42 किलोमीटर तक हुआ है, लेकिन ये जो है अपना ये जो को छोटी छोटी मैराथन कई मिनी मैराथन कई हुआ है जो को, तो ये थार री दौड़ जो को अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ ये क्यों आप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और ये कई जगह कर रहे हो, तो आप ये देख सको ये विवेकानंद जी का जन्मदिन है 12 तारीख को, 12 जनवरी को उसको जो है पूरे देश में उसको युवा दिवस मनाया जाता है, तो युवा दिवस है, युवा दिवस के उसके मौके पे जहाँ पे युवाओं ने प्रोत्साहन करने वास्ते उन्होंने अच्छे रास्ते में ले जाने वास्ते अच्छे स्पोर्ट्स की भावना क्रिएट करने में उनकी टीम स्पिरिट क्रिएट करने वास्ते अनुशासन क्रिएट करने के लिए, तो ये जो आप थार री दौड़ जो को कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल जो इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि थार री दौड़ एकदम अराजनीतिक है, इसमें कोई राजनीतिक न उद्देश्य है न इसमें कोई राजनीति इसमें राजनीति के साथ होगी, है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है ये, और ये मुख्य है कि मैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट रहा हैंग MLA जो है उन हैंगों ने इन्वाइट करी, और जो एक जो है हमने कलेक्टर साहब जो है कलेक्टर साहब को SP साहब को यहाँ इन्वाइट करा, और MN दिनेश को स्पेशल गेस्ट मैंने बनाया है, MN दिनेश जो ADG है जयपुर में आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो को है युवाओं ने प्रोत्साहन करने वास्ते उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट उन्होंने बनाया ये इवेंट ओपोवा वाला, और प्लस मंत्री महोदय जो उनको अभी MLAs और मंत्री महोदय साहब से अभी तो बात नहीं हुई, कॉलेज आप जो कर बाद में इन्वाइट करें जो जो भी अवेलेबल है उन्होंने निवेदन करें ये जरूर बुलाना है, तो खासकर जो भी मुखिया है हैंगन जो युवाओं ने प्रोत्साहन करना जो जो भी आ सके इतना जो खासकर लोग हैं उन्होंने इन्वाइट करी वादा, और रेस जो है वो सुबह 7 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो जगह 8 बजे से, पहले मैं जगह बता देता हूँ कि जगह कई जगह है, यह रेस जो को है 12 तारीख को 8 बजे ये जो है अंबेडकर जो स्टैचू है अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगी हुई है ये अपने जो ओल्ड उत्तराई रोड पे उधर बड़े इसमें जो है वहाँ पे जसदर के पास में वे जगह है असम्बल वहाँ वो तो दौड़न 5 किलोमीटर जाना है उत्तराई पुलिया तक 5 किलोमीटर है 5 किलोमीटर टोटल जाता है, तो ये जो है और वहाँ 5 किलोमीटर खत्म होते वहीं पे फंक्शन होगा वो तो स्टेज भी जो लगाड़ हुआ है और जो अपने टेंट भी जो लगा ईयर जो कोई इनाम है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनाम ये वहाँ अनाउंस किया हुआ है, तो ये इनाम दिए जाएंगे, और जो बड़ी संख्या में सभी आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो को हैंग ऑन पब्लिसिटी करो ताकि बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले रहा ज़्यादा से ज़्यादा युवक जो को है ये में भाग लाए, ये बढ़िया अच्छी स्पोर्ट्स इवेंट है ये में जरूर भाग लाए ये में, और इसमें कुछ व्यवस्थाएं कर रहा हूँ कि मतलब कई जगह बसों ना जाना पड़ेगा ये हूँ कई जगह मेरा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है तो कई लोग मतलब उसने व्यवस्था नहीं है तो वो फिर बाद में वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है ऑनलाइन वो हमें बता दे रहा हूँ कई जगह की व्यवस्था है, तो ये तो है थार री दौड़ के बारे में, आप कहीं पूछना चाहो थार री दौड़ के बारे में मैंने बताया आपको कि मुख्य उद्देश्य जो है बिल्कुल युवाओं को एनकरेज करने कई सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे हम, ये अकेली एक्टिविटी नहीं है, मैं क्रिकेट एक स्पेशल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो क्रिकेट को प्रोत्साहन करने के लिए एक स्पेशल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे ग्राउंड्स में, उसमें टीमों सभी के मैच होंगे, तो बड़ा एक स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए भी, तो मैं देखूँ कि अपने इतने जो युवा होना सही रास्ते में दौड़ना अनुशासन बनाना प्रोत्साहन करने वास्ते एक टीम स्पिरिट जो को स्पोर्ट्स है ये बहुत जरूरत, तो स्पोर्ट्स हम शुरुआत कर रहे हूँ जो को रेस शुरू कर रहे हूँ थार री दौड़ ये शुरू कर रहे हूँ, बाकी फिर क्रिकेट वाला क्रिकेट अलग अलग जगह पे हम क्रिकेट जो है वो हमें हमारे डिस्कशन चल रही है की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, सर इसके सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं या केवल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन? देखिए ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है, दोनों ही ऑनलाइन नंबर दे रखा है इसने, कोई फ़ोन करके भी रजिस्टर करवा सकता है ऑनलाइन भी कर सकता है, चुनाव से पहले इस प्रकार का प्रोग्राम से राजनीति से लोग जोड़ेंगे जोड़ने में
कोई बात नहीं है, सुनाऊं तो राजनीतिक गतिविधियां तो चलती रहती है, कभी मतलब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, फिर लोकसभा के होते हैं, फिर लोकल बॉडीज के होते हैं, ये तो चलते ही रहते हैं। तो इसका मतलब एक्टिविटी ना कुछ वेट नहीं करना, एक्टिविटी तो चलती रहे, एक्टिविटी भी चलती रहनी चाहिए, जो अच्छी एक्टिविटीज है और राजनीतिक वो भी चलती रहनी चाहिए। किसकी दौड़ है? लोकसभा। हाँ, यह क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा की है, तो ये क्षेत्र तो लोकसभा क्षेत्र है, इसकी दौड़ है। ये है, सही है, टिकट को लेकर है क्या? नहीं, इसका क्या टिकट से क्या लड़ना है, इससे क्या लड़ना होता है? युवाओं को मैं तो पहले से, आप देखिए 2013 में मैं जो किए तो एक नशा मुक्ति एक मैंने किया था, आप पधारे थे, आप जब कॉलेज थे उसमें कई कौन कौन पत्रकार थे पता नहीं, उसमें आए थे पत्रकार, अखबार में भी कवर किया था काफ़ी अच्छा, तो नशा मुक्ति मैंने किया था एक शिविर। ये इस तरह कई एक्टिविटीज में कर रहे हैं, मैं तो कई बार हमेशा करता रहा हूँ, मैं कोई पहली बार ये नहीं कर रहा हूँ। सर थोड़ा सब्जेक्ट से हटके सवाल कर रहा हूँ, राजस्थान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप चूँकि IPS रहे हैं और आपने राष्ट्रपति पुरस्कार तक वीरता पुरस्कार तक जीता, तो किस तरह से राजस्थान में क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है? राजस्थान में क्राइम कंट्रोल करना रहा, आपने अच्छा सवाल पूछा, और क्योंकि मैंने मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे भी, और एक मैं देख भी रहा हूँ, आप और मैं जैसे पब्लिक है उस तरह से भी देख रहा हूँ। तो मैं पहली बात यह है कि सरकार को पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए था, फ्री हैंड अगर दे कि भाई आप जो हमें CM साहब आते ही अनाउंस किए दो बजेंद्र जी के आप पुलिस जो को मांगो तो नहीं, लेकिन आप क्राइम कंट्रोल करो, दूसरे दिन हैंगर दो पकड़ना शुरू कर दिया, रबड़ी में गुंडा दोन हैंगर शुरू कर दिया, फ्री हैंड होना चाहिए कि जो कि मतलब आप एक्शन लो, हमें हर एक आदमी कोई ना कोई जुड़ेड़ो है, कोई ना कोई नेताओं जुड़ेड़ो हो सके, तो अगर नेताओं जुड़े आप किसी ने पकड़े दारी सिफारिश पुलिस नहीं पकड़ सके जल्दी प्रॉब्लम शुरू होते जो। तो एक तो यह है कि इसमें कोई भी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए किसी तरह, जो को अपराध करे वो अपराधी है, और सारे अपराधियों का एक ही कानून होता है, अलग अलग कानून नहीं होता, तो उनको वो कानून फेस करना, उस कानून को फेस करने के लिए कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फ्री हैंड होना चाहिए उनको। हमें पहले के देखा था 4-5 साल देख रहे हूँ कि कोई थानेदार है जो कोई डिजायर देन पर मेरी पोस्टिंग हुआ, कॉन्स्टेबल डिजायर में पोस्टिंग हुआ, तो डिजायर में पोस्टिंग है तो डिजायर कौन दे रहे हैं? उंगर तरफ लॉयल्टी है, कानून की तरफ लॉयल्टी नहीं होगा, और जो को डिजायर दे उंगर तरफ लॉयल्टी, एक सीधी सी बात है, ये पूरी फ्रेंक बात है। सर इसी से लगता क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि फ्री हैंड होना चाहिए पुलिस को, ACB ने जब दिनेश एमएन सर आए तब उन्होंने धड़ाधड़ कार्रवाई की और 3 महीने में शतक पार कर लिया किया था, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि उन पे अभियोजन चलाने की स्वीकृतियाँ नहीं मिलती, इसको आप किस तरीके से देखते? देखो साहब ये तो है, ये एक कानूनी मामला है, अभियान की स्वीकृति अगर सरकार नहीं देती है तो ये सरकार की गलती है, क्योंकि अगर आप रेड ट्रैप करते हो मतलब उसको जो आप वहीं पे मौके में आप किसी को पकड़ते हो, रेड ट्रैप को क्या हिंदी में कहोगे, लाल क्या मतलब है, रंगे हाथों, जो आप रंगे हाथों पकड़ोगे किसी को और सरकार अगर उसमें अनुमति नहीं देती है तब तो ये सरकार की गलती है। उसमें कारण क्या है कि एंटी करप्शन एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, वो एक प्रावधान है कि जो को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो भी आपने परमिशन लानी चाहिए लड़ी बढ़ना, तो चार्जशीट लगाना अगर परमिशन दे तो कई केस ऐसे पड़े रहते हैं, फिर तो बच जाते हैं लोग ऐसे, तो ये तो गलत है। हो सके अब नई सरकार आई है तो सब रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए। और एक जो कह रहा था, सॉरी एक और मैं कह रहा था वे आगे उसे बता रहा था कि कैसे एक जैसे बहुत ही खतरनाक खूंखार जो होते हैं गुंडे, वो देखो आपकी कई बार पुलिस माथे फायरिंग हो रही थी, मैंने देखा। ये मैं आपको एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप पुलिस को रिकॉर्ड कीजिए कि तमिलनाडु स्टेट जो है, तमिलनाडु की पॉपुलेशन राजस्थान पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ो स्टेट है, मतलब स्टेट जोग्राफिकली छोटो है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तमिलनाडु की, उगे में ज़्यादा पर कैपिटा इनकम दो लोगों जो रिचनेस है ना वो ज़्यादा हो, तो जैसे ज़्यादा रिच हो तो हो सके क्राइम भी ज़्यादा हो सके, इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे पूरे साल में कोई एक घटना ऐसी नहीं होती है जिसके में कोई प्राइवेट आदमी कोई शूटिंग करे या पुलिस माथे कोई शूटिंग करे, कोई घटना नहीं होती, एक साल में ही घटना नहीं होती। अब कल साल खत्म होगा,
पूरे साल में एक भी खत्म नहीं, और राजस्थान में हर हफ्ता एक घटना हो रही है, ये क्यों होता है बताओ? ये एक सीधा सा कारण है कि ये तो नहीं, पुलिस तो आगे मैं आगे आगे आई पी एस ऑफिसर आगे एक जगह ट्रेनिंग लिया, कोई यहाँ जो कोई ना हुआ टोड़े पर तमिलनाडु के अंदर राजस्थान में भेजे पानी तो देर भेजा जब जाना पड़े आगे आगे ट्रेनिंग है आगे आगे कानून है, तो राजस्थान में ही ये फायरिंग हैंड क्यों हो रही है, ये क्यों कंट्रोल हो रहा है, ये कारण कहीं और जगह पुलिस में नहीं है सर। तो ऊपर वो अगर जो है पूरी उन्होंने दया है कि जैसे उदाहरण बताएं जो एक एनकाउंटर हुआ, अब देखो लाम वकीब है आई पी सी जो है वो एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, स्वयं को रक्षा करने का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट सेक्शन 96 तक है, वे मुखी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जे आप ना कोई भाई कि कोई भी खतरों है कि मैं लाइफ खतरों है तो आप एडी फोर्स यूज कर सको, जो होम दर डेथ भी हुआ तो भी आप ना पावर है वगैरह उसमें कोई, जैसे एनकाउंटर है, एनकाउंटर एक चीज है। तो जैसे ईद की हुआ था अपना राजस्थान में जो एनकाउंटर हुआ तुरंत मैं देखे कई एनकाउंटर मैं देखा, एक थोड़ा लोग आए नो कर है अल्लाह करे अल्लाह करे इनका वो सरकार कह के वो साहब जो है वो ने सस्पेंड कर दिया, पुलिस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया और देखो ये जांच जो है सी बी आई ने भेज दिया मर गए, सी बी आई जब मान लो हमारी चार्जशीट लगा दे अरेस्ट कर दे तो कहीं नहीं कर सकते, तो क्यों एनकाउंटर करना, भले गोली चलाओ पे बसे ना हो अपन लोगों क्यों हम जाऊँगा, ये जो इस तरीके के कारण ही ये जो है ये फिर सब कर लेते हैं। ऐसा तमिलनाडु में बस आप कंपेयर करो, मैं तमिलनाडु नौकरी किया ये रहना हो मन तो बिल्कुल एकदम क्लियर का कंपेरिजन है, एक हमें रख रहे हैं एक है स्टेट है एक स्टेट है, मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ आपको। तो हमें जो सरकार दे ये ना बिल्कुल ही क्लियर करना चाहे कि नहीं अपराध सारे कंट्रोल करना है तो की करना अपना कि पहले तो आप जो है इसको जो अपराधी है एनकाउंटर हुआ है तो उसकी प्रोसीजर होती है, अगर आप एनकाउंटर हुआ है कुछ इंक्वायरी होती है मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी होती है, कुछ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट करनी होती है तो इंक्वायरियाँ कर सकते, तो इंक्वायरी आप जैसे ही वो एनकाउंटर हुआ कहीं आए ना आपने थोड़ा घोड़ा रोड रोड मत है और वो खड़ा हुआ खड़ा तो वही कहता कोई आदमी जो अपराध कर रहा है तो उगर लारे फॉलोअर्स भी है उगर लारे फॉलोअर है वो आए रोड मत खड़ा होता है आम तुरंत पुलिस पार्टी ने कहते नहीं सस्पेंड कर दिया वो राजी हो गया आम पुलिस गई पीछे तो हमें पुलिस डिमोरलाइज हो जाओगे, पुलिस डिमोरलाइज जो हो जाती है जब पता कि एनकाउंटर नहीं कर दिया जाए, मैं कहीं देखा कई जगह मैं पूछो थलदार ना तो थोड़ा मतलब शूटिंग की थे पासों क्यों मारा, अरे साहब पास ही गोली मारो मैं भागे जाऊँ ठीक है पास मारो सी बी आई में जाओ जेल अरेस्ट हो जगह फिर बैठा हूँ ठीक है सर। ये जो है ये जो है ये टेंडेंसी खत्म होनी चाहिए, तो ये अब देखो किस तरह से होती है, अब नई सरकार आई है बहुत सारी एक्शन हो रही है इनके जो स्विफ्ट एक्शन हो रही है इनके गुंडों के खिलाफ, अगर होना तो देखो सबसे पहले तो इंसान को आपने गोटे पहिया पहल कम आता हमें तो इंडस्ट्री भी जरूरत थोड़ा ज़्यादा हुआ आप मतलब बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जैसे देख लो आपका अरे की इनकम पर कैपिटा बढ़ी है, तो आप रखिए पहिया और बिजली तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैंगो पहले सेफ्टी कि आप जो है ना जिंदगी आपकी सेफ है, जिंदगी नहीं सेफ्टी नहीं है रात अपन कोई आप गोली चला दे या कोई अपन मारे पहिया ले जा रहा या लूट ले या डकैती कर दे तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए सर, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं और अभी हाल ही में देखा गया है कि सरकार ने एक कैंपेनिंग भी चलाया है कि अपराधियों को जो है युवा अपना आइडल मानते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो है अपराधियों को कभी आइडल न माने, अपराधियों को कभी आइडल न माने, वो बोला है आप ना कहे उम्र जो भाषण हुआ है या उनको कहने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है मन पड़े जो करो कहीं मन मैं देख लूंगा सारा, ये जो ऐसे जो कहे तो बड़ा युवक तो अरे साहब है तो बहुत बोल्ड आदमी है, ये जो तो चीज़ है ये सबसे पहले निकलना, ये कहना होता है मारे तमिलनाडु की वैसा मैं तमिलनाडु का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होती है दुनिया में कहीं भी उसका उदाहरण देना चाहिए उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कोई भी नेता से यहाँ दे वहाँ उदाहरण वहाँ कह के नहीं कर दो और उसके बाद में मर्डर हुई एक जगह वह ना पकड़े हैंगो पहले तो वह ना नंबर एक आके बनाए जिके हुए ना कोई भी ऐसा तमिलनाडु में ये दूसरी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि तमिलनाडु में किसी भी इस तरह से अगर कोई भी आदमी नहीं है जो अपराधी है और उसको फॉलो कर रहे लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उसी के ऊपर एक्शन होती है ये होना चाहिए। क्या होता है कौन से वोट कट जाएंगे उसमें एक मिनट हाँ क्या हो रहा है अच्छा अच्छा हाँ हाँ सुना ये अनफॉर्चुनेट बहुत ही
दुर्भाग्य की बात है कि आत्महत्या हो रही है बाद में। ये जो अब ये कैसे हुआ, पिछले मैं 5-7 साल से सुन रहा हूँ, 7 या शायद 10 साल हो गए, थोड़ी ज़्यादा ही प्रवृत्ति है ये। अब देखो आप कि अब ये लोग इतना भावुक क्यों हो गया कि सुसाइड करने, ज़्यादातर जो है लेडीज़ कर रही है, ये एक अनफॉर्चुनेट है। लेडीज़ में देखो ये जो अपने इंडिया में देखो रूल्स है, देखो सिस्टम है, देखो दहेजरी प्रथा जो है, या शादी करने के बाद में, तो ये सभी जगह होता है, राजस्थान में नहीं, सभी जगह दूसरी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बाड़मेर में ये प्रवृत्ति नहीं थी इतनी, और ये ज़्यादा हो गई जब। तो ये तो सब अब देखो इसमें कई तरीके हैं, सरकार के कुछ वो हेल्पलाइन भी की, अब हेल्पलाइन में तो कौन ये कहेगा कि वो सुसाइड करना चाहूँ, करूँ फोन करूँ, थे मन की मदद करना चाहूँ, ये तो अब हेल्पलाइन कितनी सक्सेस हुई बना देता है ये नॉलेज नहीं। क्योंकि देखो साहब मैं कुछ चीज़ों का आपको फ्रेंकली कहना चाहूँगा कि मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब वो नौकरी की हमने प्रयास बढ़ाए हूँ गाँव गाँव में, पर अभी कई चीज़ों का इतना एनालिसिस नहीं है मेरे पास में, तो कि ये हेल्पलाइन कितनी सक्सेस हुई है ये भी पता नहीं है। लेकिन जो जो ये जो सुसाइड का जो आदमी, एकदम कोई भी आदमी या औरत जो है एकदम सुसाइड करने का डिसाइड नहीं करता है। आप सुनिए साहब एक मिनट कि सुसाइड करने का कोई भी एकदम डिसाइड नहीं करे सुसाइड करना, वे नारे काफ़ी मतलब आदमी जो आप जान जो को ख़त्म कर रहा है वे वास्ते है। अगर आप बुरा ना मानते एक अंग्रेजी रहो, एक अपना उदाहरण था शेक्सपियर नाम होने वहाँ पर, शेक्सपियर एक ड्रामो है जिसका नाम हेमलेट, हेमलेट में वो की थोड़ा बस एक मिनट में खत्म किया, हेमलेट जो है वो प्रिंस हेमलेट, वे फादर ना तो किंग हेमलेट, और जो को डेनमार्क का किंग था वो लड़को तो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ता, और वो तो कहना पता लगे वे फादर की डेथ हो गई, तो वो तुम पता आए पुगे 15 दिन लागे आए पुगे वो थे वे जगह आवे तो वे जो है बड़ी एक दुखद घटना हो रही थी घर में, तो उसके देख करके उसने क्या डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर दूँ, भागा वहाँ से और गया कुएं के ऊपर और ऐसे खड़ा हुआ और जंप ही कर रहा था, तो एक सोलीलोक बताना अपने आप को पूछना, इंग्लिश में एक सोलीलोक बोलते हैं उसको, तो अपने आप को पूछता है टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन, अपने सुना टू बी और नॉट टू बी, अपने वे जगह वो एक कहानी जो ये जो कविता होती है टू बी और नॉट टू बी, अपने आप को पूछता है सुसाइड करूँ या नहीं करूँ, टू बी और नॉट टू बी, सुसाइड करूँ या नहीं करूँ, तो काफ़ी वो कह रहा अगर सुसाइड करने में होता है तो इतने जानवर इतने परेशान होते हैं, पक्षी आदमी परेशान होते हैं, सारे सुसाइड करके चलता है, तो इसलिए वो बाद में धीरे धीरे वो फिर सुसाइड करना कैंसिल कर देता है। तो आप देखिए कि सुसाइड एकदम इंसान एक फटाक से कोई हुआ और ऐसे सुसाइड, ऐसे कुछ भावुक होते हैं कि छोटे छोटे में भी ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके पीछे लंबी बैकग्राउंड होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐडा जो घटना हुआ नहीं वो ना शुरुआत जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए, ऐडी घटना हुआ है तो शुरुआत, अब जैसे मान लो एक लेडी जो है एक महिला है बच्ची है कोई शादी हुई तुरंत और वो जो है प्रॉब्लम हो रही है ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वे ना कि घर रहा इसकी क्या पियर वाला के नहीं बैठी कौन करिए तो चला, अब ये तो भेज दे वो क्या वो रह नहीं सको, तो वे जगह कि उन्हें इंटरफियर करना चाहिए, हो सके पुलिस कर दे तो पुलिस ने बुलाए थोड़ी काउंसलिंग भी करनी या कोई लीगल एक्शन लेनी ये सब होनी चाहिए। तो हर एक ऐसे मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कोई एकदम भावुक इंसिडेंट सुसाइड नहीं हुआ, सुसाइड में पीछे कोई बैकग्राउंड होती है, उस बैकग्राउंड में जो है कौन कौन सी एजेंसी स्टेक होल्डर जिक्र मे कहो कौन कौन सी एजेंसी है जिक्र ना इंटरफियर होना चाहिए, जो ये माया तो को महिला रहता है जैसे ये सुसाइड है तो उसमें ससुराल है एक है, तीनों को किसको कहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए, ये एक्शन जरूर लेनी चाहिए, अगर टाइम वहाँ पर नहीं जाओ वो जावा कोई पुलिस थाने जाए कंप्लेंट लाए, मान लो वहाँ पर एक्शन नहीं ली गई हो या मान लो पीयर वाला कहते नहीं बैठा तुम कॉकर, तो इसे तो ये लंबा जो ये एरिया होता है इसमें कहीं ना कहीं पे इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी होता है। देखो ऐसा है कि अब आपने ये पॉलिटिकल पूछा ही है तो चलो मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको कि मैं पिछले रिटायर होने के बाद में रिटायरमेंट सर्विस में थे तब तक तो सरकार की नौकरी की वहाँ पे, और रिटायर होने के बाद में यहाँ जो घूम रहा हूँ सारे गाँव गाँव में यहीं का रहने वाला हूँ, तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ये लोगों की सेवा करने का हमारा वो एक मन में है एक तमन्ना है, तो सेवा करने में मैं देख रहा हूँ कि मारे को योग्यता है क्यों नहीं, मैं एक इलेक्शन लड़ने मारे को हैंग योग्यता है वो काबिल हूँ, और पार्टी जो है हमारी वो तो बीजेपी है ठंडा है, तो कोई दूसरी पार्टी तो अपने अपने सिर्फ बीजेपी पार्टी
बीजेपी पार्टी जो कहना विधानसभा जो को इलेक्शन हुआ था वो मैं गांव गांव घूमे तो विधानसभा विधानसभा घूमे तो। और अगर मान लो इसमें दौरान मैं मेरा दावा जरूर करूंगा, दावेदारी में पेश करूंगा, मान लो पार्टी मुझे टिकट देती है तो जरूर मैं कंटेस्ट करूंगा, क्यों नहीं, और नहीं तो पार्टी जिसको टिकट देगी उनके लिए काम करेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।